नमस्कार, सरकारी योजना में आप सभी को स्वागत है। तो जैसे मैं पिछले वीडियो में आप लोगों की मैंने जानकारी दिया कि 9th क्लास का साइकिल का पैसा जो है आना शुरू हो गया है, लेकिन मैंने स्टेप बाय स्टेप जो है आप लोगों की चेक करके मैं नहीं दिखाया कि आप लोगों की कहां से और कैसे चेक करना है। फाइनली जो है इस वीडियो में आप लोगों की मुख्यमंत्री बालिका इंटर प्रोत्साहन योजना एवं मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना 10वीं में फर्स्ट डिवीज़न एवं सामान्य एवं BC2 में एवं मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना 10वीं में फर्स्ट डिवीज़न सामान्य एवं अल्पसंख्यक सहित एवं मुख्यमंत्री बालिका बालक साइकिल योजना एवं बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना एवं मुख्यमंत्री पोशाक योजना कक्षा 1 से 2 के सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए एवं मुख्यमंत्री पोशाक योजना कक्षा 3 से 5 के सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए, मुख्यमंत्री पोशाक योजना कक्षा 6 से 8 के सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए एवं मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना 7वीं से 12वीं क्लास के सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए, छात्रवृत्ति योजना कक्षा 1 से 4 के सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए, यानी कि जितने बिहार सरकार द्वारा छात्रवृत्ति पोशाक प्रोत्साहन राशि जितने जो यहाँ पर जारी किया गया है, बहुत सारे छात्र एवं छात्राओं के खाते में पैसा आ गया है और बहुत सारे छात्र एवं छात्राओं का पेंडिंग में है, बहुत सारे छात्र एवं छात्राओं का प्रोसेस में है। ये सभी छात्र एवं छात्राओं का ये किन किन योजनाओं का कितने कितने पैसे जो है यहाँ पर मिलना शुरू हो गया है, आप लोगों की कहाँ से और कैसे चेक करना है, कितना पैसे दिए जाते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप जो है इस वीडियो में आप लोगों की मैं फुल डिटेल में बताने वाला हूँ विस्तार से। तो यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ पर 1 से लेकर 12वीं क्लास के सभी छात्र एवं छात्राओं का जितने यहाँ पर जो है बेटी पोशाक प्रोत्साहन सभी को मैं स्टेप बाय स्टेप चेक करके मैं दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कितने पैसे दिए जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेगा। इससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों तक पहुँच सके। और अभी तक आप लोग सरकारी योजना से नहीं जुड़े तो आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए। नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और बगल में बेल घंटी आ जाएगा, उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जैसे सरकार की तरफ से कोई भी योजना की घोषणा करे सबसे पहले आपके पास पहुँचती रहे, आप लोग जान सके सरकारी योजना का उठा सके। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, लास्ट तक जरूर दिखेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो आर्टिकल को जारी किया गया है सबसे पहले बता देता हूँ कि किस किस योजनाओं का कितना कितना पैसा जो यहाँ पर मिलना शुरू हो गया है, किस किस क्लास का कितना पैसा जो है आना शुरू हो गया है। उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप जो है आप लोग की मैं बताऊंगा कि कहाँ से और कैसे जो है आप लोगों की चेक करना है। अगर आप लोग भी सरकारी स्कूल के छात्र एवं छात्राएं हैं तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, ये वीडियो आप लोग के लिए काफी इंपोर्टेंट है। इलो ट्यूटर एप्लीकेशन भारत का सबसे सुविधाजनक एप्लीकेशन, आप केवल 4 घंटे खर्च करके 20,000 रुपए प्रतिमाह कमा सकते हैं। किसी को भी कहीं से भी कभी भी बिना परेशानी के पढ़ाए आप केवल उन विषयों को पढ़ा सकते हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं। अगर आप 1 या 2 विषयों में अच्छे हैं तो फिलो से जुड़ सकते हैं और जितना चाहे उतना कमा सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाकर फिलो ट्यूटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, फिर अपना मोबाइल नंबर डालिए, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को भरिए, फिर आप अपने नेम, प्रोफाइल फोटो, पैन डिटेल और टीचिंग टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़िए। आप रोजाना 4 घंटे खर्च करके 20,000 रुपये कमा सकते हैं। तो आज फिलो ट्यूटर एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं मेधा सॉफ्ट से इन योजनाओं का मिलना है लाभ। अब जैसे मैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ साफ बताया गया है स्टेप बाय स्टेप मुख्यमंत्री बालिका इंटर प्रोत्साहन योजना के तहत जो है 10,000 रुपये जो है दिए जाते हैं जो आना शुरू हो गया है। वही मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना 10वीं में फर्स्ट डिवीज़न सामान्य एवं BC2 के सभी छात्र एवं छात्राओं को 10,000 रुपये जो है आना शुरू हो गया है और यहाँ पर मिलता है। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना यानी कि 10वीं में फर्स्ट डिवीज़न से यहाँ पर सामान्य एवं अल्पसंख्यक सहित के लिए यहाँ पर 10,000 रुपये जो है यहाँ पर मिलना शुरू हो गया है और यहाँ पर दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री बालिका बालक साइकिल योजना 3,000 रुपये जो है इस योजना के तहत मिलते हैं साइकिल क्रय करने के लिए। वही यहाँ पर बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना यानी कि 9वीं से लेकर 12वीं की छात्र एवं छात्राओं के लिए यहाँ पर 1500 रुपये जो है दिए जाते हैं जो आना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पोशाक योजना कक्षा 1 से 2 के सभी छात्र एवं छात्राओं को 600 रुपये जो है दिए जाते हैं। वही मुख्यमंत्री पोशाक योजना के तहत यहाँ पर कक्षा 3 से लेकर 5 तक के सभी छात्र एवं छात्राओं को 700 रुपये जो यहाँ पर दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री पोशाक योजना के तहत कक्षा 6 से 8 तक के सभी छात्र एवं छात्राओं को कितने दिए जाते हैं तो 1,000 रुपये जो है दिए जाते हैं। वही मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना के तहत 7वीं से 12वीं क्लास के सभी छात्र एवं छात्राओं को 300 रुपये जो यहाँ पर दिए जाते हैं छात्रवृत्ति योजना, और यहाँ पर कक्षा 1 से 4 के सभी छात्र एवं छात्राओं को 600 रुपये जो यहाँ पर दिए जाते हैं।
कक्षा 5 से 6 के सभी छात्र एवं छात्राओं को जो यहाँ पर कितने 1000 रुपये दिए जाते हैं, वही यहाँ पर 7 से 10वीं क्लास के सभी छात्र एवं छात्राओं को पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को 1800 रुपये जो है प्रति विद्यार्थी पर यहाँ पर लाभ दिया जाता है, जो यहाँ पर सारा का सारा पैसा जो यहाँ पर आना शुरू हो गया है। चलिए मैं अब आप लोग की स्टेप बाई स्टेप जो बताता हूँ कि आप लोग को कहाँ से और कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में कोई सा ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और सर्च टाइप में लिखना है सरकारी सेंटर, लिखकर सर्च कर देना है, क्योंकि जो है सारा का सारा जो है यहाँ पर लिंक को एक्टिव कर दिया गया है। आप लोगों की इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सरकारी सेंटर पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और स्कॉलरशिप सेक्शन में जो आप लोगों की आ जाना है। जैसे आप लोग यहाँ पर नीचे स्कॉलरशिप वाला सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जैसे मैं देख सकते हैं स्कॉलरशिप अपडेट। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं बिहार क्लास 1-12 छात्रवृत्ति पोशाक साइकिल, आपको क्या करना है इस पर जो आप लोग को क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे जो आप लोग को आ जाना है। अब जैसे यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं पैसा का प्रकार, आपको यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर कलर को चेंज कर देता हूँ, पैसा का प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ से चेक करें, आपको इस पट्टी में चेक करना है और यहाँ पर पैसा का प्रकार देखना है। तो सबसे पहले जो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले जो यहाँ पर मेधा शॉर्ट में नाम देखना है कि आप लोग का नाम है कि नहीं, लिंक 1 पर क्लिक करना है, लिंक 2 पर क्लिक करना है। उसके बाद साइकिल का पैसा चेक करने के लिए आपको लिंक 1 पर क्लिक करना है। अब जैसे लिंक 1 पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, जिस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से जो है इंटरफेस ओपन हो जाएगा मेधा शॉर्ट ई लाभार्थी। यहाँ पर सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है और ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर स्कूल सेलेक्ट कर लेना है और क्लास सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर सेक्शन जो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अकाउंट नंबर डालकर शो पर क्लिक करना है, आपको नीचे शो कर देगा। लिंक 2 पर भी क्लिक करके जो आप लोग चेक कर सकते हैं। अभी फिलहाल में हमारे पास किसी भी छात्र एवं छात्राओं का बायोडाटा यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, नहीं तो मैं आप लोग को लाइव ग्रुप में चेक करके मैं दिखा देता। आपको क्या करना है, अगर पोशाक का पैसा चेक करना है तो लिंक 1 पर क्लिक करना है, 2 पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं, छात्रवृत्ति का पैसा चेक करना है तो इस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो है पुस्तक खरीदने का पैसा अगर आपको चेक करना है तो इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर 2-2 लिंक जो है सभी का एक्टिव किया गया है। उसके बाद मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना के तहत देखना है तो यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर 10वीं पास प्रोत्साहन राशि अगर आप लोगों की देखना है तो लिंक 1 पर क्लिक करना है, लिंक 2 पर भी क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद 12वीं पास सभी छात्र एवं छात्राओं को राशि चेक करने के लिए इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है, आप देख सकते हैं। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, क्लिक हियर पर क्लिक करना है, आप लोग आसानी से यहाँ से देख सकते हैं। आपको अगर आप लोग को यहाँ पर नहीं बता रहा है तो आपको क्या करना है, स्टूडेंट पेमेंट लिस्ट भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर बैंक अकाउंट रिजेक्टेड लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट स्टेटस भी यहाँ पर देख सकते हैं। सारा का सारा लिंक जो यहाँ पर एक्टिव कर दिया गया है, तो आप लोग फटाफट से आइए इस वेबसाइट पर और फटाफट से अपना देखिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग का साइकिल का पैसा जो अभी तक आया कि नहीं आया, छात्रवृत्ति आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो अब बस आप लोग यहाँ से चेक कीजिए। आप लोग को क्या यहाँ पर जो 3 से 4 दिन जो है आप लोग को वेट करना है, 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपके खाते में पैसा आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों की घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तो इस प्रकार से आप लोग चेक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।